लास्ट ईयर हमने इस फन का रिव्यू किया था और रिव्यू करने के बाद मुझे आप लोगों ने ये जो रिव्यू है मेरा इस फन का ये काफी पसंद भी किया था। लेकिन लास्ट ईयर के सिनारियों में और आज के सिनारियों में काफी बदलाव हो चुके हैं और इन बदलाव की जो जानकारी है वो आपको मिलनी जरूरी भी है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक निवेश नहीं किया, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी आप बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब करते हो तो क्या होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है और फिर आप वो वीडियो जो है वो मिस नहीं कर पाते और फिर आपको जो नए नए वीडियो है वो मिलते रहते। तो आज हम लोग जो देखिए 2020 में मैंने जिन फंड का रिव्यू किया था उन्हीं सब फंड्स का या इनफेक्ट ज्यादा फंड्स का मैं 2021 में रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि सिनारियो काफी चेंज हो चुका है। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं। देखिये काफी हद तक लोगों को है ना फंड्स के टाइप जो है ना वही समझ में नहीं आता है। उनको खाली लगता है कि ये फंड डिविडेंड दे रहा है इसका मतलब ये फंड अच्छा है, वो फंड का एनएवी ज्यादा है इसके लिए वो फंड अच्छा है, या फिर ये फंड का रिटर्न अच्छा है उसके लिए वो फंड अच्छा है। नहीं, हर फंड के जो प्रोस एंड कॉन्स है, उसका टाइप क्या है, उसके नाम के हिसाब से उसमें कहां पे निवेश होता है, ये आपको समझना उतना ही जरूरी है। देखिए बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं वो इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। लेकिन जैसे बैलेंस फंड और बैलेंस एडवांटेज या फिर हाइब्रिड फंड जो है इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड में आपका जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होते कि उनको इक्विटी में कितना निवेश करना है और डेट में कितना निवेश करना है। जैसे अगर बैलेंस अगर हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है तो वहां पे फंड मैनेजर को रिस्ट्रिक्शन है कि वो कम से कम 65% जो है वो इक्विटी में निवेश करे और 35% से 0% तक वो डेट में निवेश करे। बैलेंस एडवांटेज फंड जो है ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते जहां पे आपका फंड मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि उसको इक्विटी में कितना निवेश करना है और डेट में कितना निवेश करना है, और वो उसको फंड मैनेजर को बैलेंस एडवांटेज फंड में एक पूरा फ्रीडम मिल जाता है कि वो एसेट एलोकेशन जो है वो खुद से डिसाइड कर पाए। जान लेते हैं कि इस फंड के बारे में फंड मैनेजर कौन है। देखिए जैसे आपने पहले वीडियो में देखा था इस फंड के फंड मैनेजर है प्रशांत जैन। प्रशांत जैन साहब को 27 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं पूरा के पूरा जो स्लाइड है वो पढ़ने वाला नहीं हूं, आप अगर चाहे तो यहां पे पॉज करके स्लाइड पढ़ लेते। लेकिन मैं आपको ये फंड मैनेजर के बारे में क्यों दिखाता हूं या इन्फॉर्मेशन क्यों देता हूं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके फंड का फंड मैनेजर कौन है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो पहले कहां कहां काम कर चुके, और सबसे इंपॉर्टेंट वो दूसरे कौन से स्कीम्स जो है वो उसी फंड हाउस में वो मैनेज कर दे। तो अब उसके बाद ध्यान लेते कि इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन और इनकम फ्रॉम डायनेमिक मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट। सो इस फंड में ऑब्जेक्टिव क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करवाना और इनकम जनरेट करना। तो इनकम जनरेट करना वो जो थोड़ा है ना वो इस फंड का जो डिविडेंड ऑप्शन है ना वहां पे थोड़ा मिक्स मैच कर जाता है। पॉइंट नॉट टू फॉरगेट, देखिए इस फंड ने कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेड डिविडेंड जो होते हैं वो इसका मतलब अगर डिविडेंड फंड मैनेजर ने पेड की अनाउंस किया है इसका मतलब गारंटी नहीं है कि उन्होंने खाली प्रॉफिट ही शेयर किया है। कभी कभी क्या होता है कि डिविडेंड से आपका कैपिटल जो है उसमें भी रिडक्शन हो सकता है। तो ये मत समझना कि मुझे डिविडेंड मिल गया इसका मतलब मुझे प्रॉफिट मुझे मिल गया और मेरा जो कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट सेफ है, ऐसा नहीं होता है। रिसेंटली सेबी ने डिविडेंड प्लान है उनके नाम भी चेंज किया है, तो वो भी एक बार आप ठीक से समझ लेना। इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है फंड स्प्रेड 65 to 100% जैसे मैंने कहा
वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनमें इन्वेस्ट कर दे। ज्यादा से ज्यादा फंड का, फंड मैनेजर की फोकस ये होता है उनका कि पोटेंशियल जिन स्टॉक्स में या जिन कंपनीज में ग्रोथ है ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश करें। फंड के फैक्ट्स जान लेते हैं। टोटल एवीएम जो इस फंड का है वो काफी बड़ा है, 39 या करीब करीब 40 करोड़ के पास, 40,000 करोड़ के पास इस फंड का एवीएम है। फर्स्ट फेज 1994 को ये फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क जो है वो इस फंड का जो है वो निफ्टी 50 6560 जो है उसका कॉम्पोजिट जो है वही उनका बेंचमार्क है। कैटेगरी बैलेंस एडवांटेज फंड, आप कम से कम लमसम में 5,000 और एसआईपी में 1,000 रुपीज निवेश कर सकते हैं। इस फंड में आपको ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। एक्सपेंस रेशियो जो है वो करीब करीब 1.62% के करीब है और रिस्क जो है वो मॉडरेट से मॉडरेट हाई की तरफ चली जाती है। देख लेते एसेट एलोकेशन। इक्विटी में अभी इस फंड का 74% तक निवेश है, 25% इनका डेब्ट में है। जो वो 74 है उनमें 55% कैपिटल जो लार्ज कैप है, 9% मिड कैप और 11% जो है वो उनका स्मॉल कैप में निवेश है। पोर्टफोलियो देख लेते, टॉप 10 कंपनीज में इनका निवेश जो है वो 46.56% है और सेक्टर वाइज टॉप 10 सेक्टर्स है इनमें इनका निवेश 64.64% है। तो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने कंपनीज के नाम मेंशन किए और उनका परसेंट एलोकेशन पोर्टफोलियो में कितना है वो भी आपको दिया है। आप चाहे तो ये वीडियो यहां पे पॉज करके ये स्क्रीन ठीक से पढ़ सकते हैं। डेप्ट पोर्टफोलियो जो मैंने लास्ट ईयर का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने डेप्ट पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ या फिर मुझे लगा कि डेप्ट पोर्टफोलियो वो किसी भी बैलेंस या बैलेंस एडवांटेज फंड के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है। तो यहां पे मैं आपको एक ठीक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। देखिए इस जो डेट का इंस्ट्रूमेंट है उसका कूपन रेट कितना है, क्रेडिट रेटिंग कितना है और एलोकेशन परसेंट कितना है। देखिए आप क्रेडिट रेटिंग के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा क्रेडिट रेटिंग ठीक होता है, मतलब ट्रिपल ए और डबल ए प्लस में डिफरेंस क्या है और डबल ए माइनस में डिफरेंस क्या है या ट्रिपल ए प्लस में डिफरेंस क्या है। तो यहां पे आपको अभी के हिसाब से आपको ये जान देखना है कि डेप्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जो करीब 25% इस फंड का वो निवेश उनका कहां पे हुआ है। चेंज इन इक्विटी पोर्टफोलियो, देखिए इस फंड का अगर आप देखा जाए तो लास्ट 31 जनवरी से देखा तो अब तक जो निवेश है उनमें किन कंपनीज को उन्होंने ऐड किया है, तो उन्होंने दो कंपनीज को ऐड किया है उसमें, भारतीय एयरटेल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये दो कंपनीज ऐड किए और बाकी जो कंपनीज है उन्होंने उनके पोर्टफोलियो से उन कंपनीज के शेयर को बाहर किया है। यहां पे भी आप ये वीडियो पॉज करके पूरे की पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद डेप्ट पोलियो जो है उनका, उसका क्रेडिट रेटिंग कैसा है, देखिए टोटल जो डेप्ट पोलियो है उनका 25% के करीब, उनमें से 3.6.8% जो है वो उनका जो है टोटल इसमें वो ट्रिपल ए प्लस या फिर गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में या इक्विवेलेंट में है। ए प्लस में 4.6% है, ए और ए प्लस में 6.06%, कैश और इक्विवेलेंट में 9.19% है। सो आप अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो है पूरा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 25% आपका कहां पे जा रहा है या 25 रुपया आपका कहां पे जा रहा है, इसका हिसाब आपको इस स्लाइड में मिल सकता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो देखिए परफॉर्मेंस में कंपेयर किससे कर रहा हूं, तो इसका अंडरलाइन बेंचमार्क से कर रहा हूं। इस फंड ने एक साल में 7.8% का रिटर्न दिया है पॉइंट टू पॉइंट, 3 साल में 3.94% और 5 साल में 9.26%। उसी के कंपेयर में बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो यहां पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। उसके बाद देखते कि पीयर कंपैरिजन, देखिए यहां पे जिन फंड्स का जो है बेंचमार्क निफ्टी कंपोजिट था उन्हीं को मैंने कंसीडर किया है, बाकी तो लिस्ट काफी बड़ी है। लेकिन फिर क्या होता है कि इफ यू कंपैरिजन जो है वो एप्पल से एप्पल का होना चाहिए, सो मैंने एग्रेसिव जो है या फिर डायनामिक एलोकेशन के जो फंड है उन्हीं को कंपेयर
इस फंड के साथ किया है, तो यहाँ पे आप भी कोटक है, एचडीएफसी बैलेंस, एक्सिस डायनामिक फंड और बेंचमार्क के जो रिटर्न है 3 साल के, वो मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए। उसके बाद इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लीजिए, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प, बीटा और अल्फा। ये अल्फा बीटा, देखिए ये बीटा जो है वो आपको क्या दर्शाता है कि अगर इंडेक्स जो है बेंचमार्क इंडेक्स अगर 1% मूव होता है तो ये फंड कितना परसेंट मूव होगा। सी ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स के ये क्रॉस 1 करना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि इंडेक्स अगर 2% नीचे आ गया तो ये फंड 2% से ज्यादा नीचे आएगा। मैंने और एक वीडियो भी इसमें बनाया था, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, शार्प रेशियो क्या है, बीटा रेशियो क्या है और अल्फा क्या होते हैं। किन लोगों को इस फंड में निवेश करना चाहिए? देखो, जो लोग एक शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते उन लोगों को इस फंड में निवेश करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीट कर रहे हैं, देखिए कैसा ये, अगर ये बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसका मतलब क्या कि ये 100% तक इक्विटी जा सकता है, तो कभी कभी ये फंड आपका इक्विटी फंड जैसा भी हो सकता है। इसलिए जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं वो लोग निवेश कर सकते हैं, या फिर जिनका 5 साल से या 3 या 5 साल के बीच में भी है तो भी शायद वो लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात ख्याल में रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ये फंड अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इनका इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा है। शॉर्ट टर्म में इन फंड में आपको काफी हद तक वोलेटिलिटी दिख सकती है। जो लोग अगर एक फंड की तलाश में जहां पे उनको 100% इक्विटी में नहीं जाना है और वो खुद ये काम नहीं करना चाहते कि इक्विटी में कितना और डेट में कितना निवेश करना है, और वो किसी के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहते, तो ऐसे लोग भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूं, ये वीडियो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस करके ना ले, ये वीडियो जो होते ये प्योरली ट्रेनिंग पर्पस होते हैं। देखिए ऐसे होता है कि इन जो वीडियोस है, ये वीडियो देख के कुछ कुछ लोगों को लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह है, तो ये इन्वेस्टमेंट के सलाह नहीं है, ये एक फंड के बारे में आपको दी गई हुई जानकारी है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना। और एक बात, अगर आपको लगता है कि ये रिव्यू आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए भी काम में आ सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।